हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में मैंने आपको शब्द के बारे में, शब्द से जुड़ी जितनी व्याकरणिक कोटियां होती हैं उनके बारे में सारी चीजें पढ़ा दी है। यानी अगर व्याकरण जो है हिंदी में 25 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं किसी परीक्षा में, तो 25 में से मैंने आपको वर्णमाला और शब्द के बारे में जितनी डिटेल पढ़ाई है, इसमें से लगभग आप ये मान के चलिए कि 12 से 15 प्रश्न के बीच में आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, 12 से 15 प्रश्न आपका कवर हो चुका है। अब हमें अगले जो बाकी बचते हैं उन पर मेहनत करनी है, तो आज मैं उन्हीं से आगे आपसे प्रारंभ करता हूं। उनसे आगे जैसे जैसे आपके सिलेबस में दिए हैं UP SSSC जैसा मेंशन करता है, उस अनुरूप चाहे ग्रेजुएट लेवल रहा हो चाहे आपका जो है 10+2 लेवल का रहा हो, दोनों का मिक्सअप करके अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का भी टॉपिक भैया बढ़िया है, क्योंकि मैंने बताया है कि UP SSSC जितना पेपर में लिखता है, मतलब पाठ्यक्रम में जितना वह लिखता है, उतने पॉइंट से वह सवाल जरूर पूछेगा चाहे जो हो जाए। ये उसकी मैंने ट्रेंड देखी है 19 में, जब से ये TCS के हाथ में पेपर गया है SSSC का, तब से वह सारे पेपर को टच जो है पॉइंट्स को टच करेगा। जो पाठ्यक्रम में उसने लिख रखा है कि यह बिंदु जो है शामिल है परीक्षा में, मैं हिंदी के संदर्भ में बता रहा हूं, हर एक के संदर्भ में इसकी रणनीति अलग होती है, हर विषय की रणनीति अलग होती है, हर बच्चे की रणनीति अलग होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हिंदी विषय वस्तु के बारे में अगर मैं आपसे परिचर्चा कर रहा हूं, तो इनमें तमाम उन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है जो UP SSSC के पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं एक बार दिए गए हैं, और उनको विधिवत ध्यान रखते हुए। देखो, परीक्षा उत्तीर्ण करने का अर्थ यह है कि जब तक आपको सिलेबस नहीं मालूम है, तब तक आप एक पहली बात तो ये मान के चलो कि आप अभ्यर्थी की परिभाषा को भूल गए। वहीं आपसे पूछा गया किस भी जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपने कहा UP SSSC, पूछ लिया UP SSSC के हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आते, अब आप भूल गए लिखना, तो वही समझ जाना कि मुझ में अभ्यर्थी की पहली क्वालिटी नहीं है। अभ्यर्थी की पहली क्वालिटी है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक, जिस दिन ये माहौल अपने आप आसपास तैयार करते हैं, उसी दिन मान लीजिए कि आप में एक दिशा आ गई, और बिना दिशा के अगर आप वैसे भटकोगे तो जीवन तो एक, आप ये मानिए कि आपका जो जीवन है, जब आप बिना लक्ष्य के भटकते हैं तो वह स्थिति ऐसी होती है जैसे एक नौका हो खुले समुद्र में। ठीक है, खुले समुद्र में एक नौका है, बिना पाल के बह रही है, मतलब जिस तरफ से हवा आ रही उस तरफ वो जा रही है, जिस तरफ से धारा आ रही उस तरफ वह बह रही। अब वो लक्ष्यहीन है, यानी जीवन भी ऐसे ही हो जाता है जब आपके सामने कोई परीक्षा फोकस नहीं होती है, केंद्रित नहीं होती। तो उस नौका की और जीवन के नौका की अगर कंपेयर किया जाए, तो वह जो नौका होती है कुछ दिनों के बाद एक किनारे पर लगती है, ऐसे ही जीवन है भैया। ठीक है, अगर आप विद्यार्थी जीवन में बिना किसी लक्ष्य के ऐसे वैसे पढ़ते रहे हैं, और जिनमें आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाँ किन पाठ्यक्रम को हमें कवर करना है, कहां से चीजें पूछी जा रही है, तो आप यह मान के चलिए कि आपको सफलता मिलेगी अगर थोड़ा होनहार हैं, लेकिन वह सफलता थोड़ा समय ले जाएगी, और समय देने में आपके सामने दूसरी चुनौती आ जाती है। जैसे समय आया, बीच में गैप आया, वहीं जो अगली पीढ़ी आपसे आ रही है वह पीढ़ी आपके अस्तित्व को ही किनारे कर देगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जीवन है, जीवन की एक दिशा है, ठीक, सबसे पहले तो अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, और विद्यार्थी जीवन में होने के लिए आपका एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, वह केंद्र बिंदु है आपकी लक्षित योजनाएं। लक्षित योजनाओं में आप PCS प्री की परीक्षा की तैयारी कर रहे, आप UP SSSC की तैयारी कर रहे, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे उसको लक्ष्य बनाओ कि हमारे आयाम यहां हैं, उन तरफ अपनी दिशा दो, तब जाकर के आप एक साधक की भांति नित प्रतिदिन अपने आप में अनवरत रूप से एक सुधार देखेंगे, और वही सुधार विद्यार्थी जीवन में होना सफलता के मूल एक तरीके से अगर देखें आधारों में आता है। तो आप एक सफल विद्यार्थी बनिए, और सफल विद्यार्थी के लिए सबसे पहले तो यह आपके लिए जरूरी है कि आप पाठ्यक्रम से परिचित हों। ऐसा ना हो कि जब मैं आपको पढ़ाऊं
तब आपको यह लगे कि अच्छा ये भी पूछा जाता है। आप पहले से अगर आप जो है थोड़ा सा इस मामले में अपने आप को जिज्ञासु रखते हैं, देखो कभी भी पूरे जीवन की मैं बात बता रहा हूं, अगर आपके अंदर अहम आ गया, ये चीज आ गई कि अच्छा फला जो व्यक्ति पढ़ा रहा है या फला जो मेरे सामने खड़ा है, मैं पढ़ाने के क्षेत्र नहीं पूरे जीवन की बात बता रहा हूं, जहां पर आप में यह चीजें आ गई कि मैं अहम, वही चीज समझ लेना कि अपने अस्तित्व पर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, किनारा। जरूरी भी है आत्म, एक तरीके से विश्वास जरूरी भी है, लेकिन वहां पर जरूरी है जहां परिस्थिति वैसी हो। जब तक आप जिज्ञासु हो, अगर आप पढ़ने की प्रवृत्ति से कहीं पर जा रहे हैं तो वहां हमेशा यह मान के पढ़ना कि सामने वाला जो बंदा है वह मुझसे कुछ तो अच्छा है, कुछ तो बेहतर है। क्योंकि हमेशा ज्ञानार्जन तभी होता है जब आप अपने से सामने वाले को कुछ बड़ा मानोगे, कि वह पथ प्रदर्शक की भांति अगर हमारे सामने है, हमारे जीवन की नौका को एक दिशा देने के लिए है, तो वह उसमें कुछ ऐसे गुण जरूर मौजूद हैं जो मैं अपग्रहण करके अपनी दिशा को एक और साधक जो है अच्छे साधक की भांति साध सकता हूं। इसीलिए हमेशा याचक बनकर जब जाओगे तो आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप उसका जो परिणाम देखोगे स्वयं से आप कर लेना, ठीक है, फिर मुझसे मिलना, उसका जो परिणाम मिलेगा वह आपको हमेशा एक जो है निरंतर वृद्धि की ओर होगा। लेकिन जहां आपने ऐसा मान लिया हटाओ ये तो चीजें आ रही, वहां हमेशा समझ जाना, अपने दिमाग को संतुलित करके आप किसी भी व्यक्ति को देखिए तो आप में चाहे बुरा से बुरा व्यक्ति है, लेकिन वह आप में ऐसे उस सदगुण उसमें आपको दिखाई देंगे कि यार ये तो बात सही थी, ये बात अपने काम की। इसीलिए हमेशा जिज्ञासु बनना, किसी भी व्यक्ति से जो कुछ आपके मार्गदर्शक के तौर पर है जीवन में, कभी भी उसके सामने अहम की भावना मत रखना, ठीक है। आज उसी में मैं आगे पर चर्चा कर रहा हूं 10+ कोर्स के अंतर्गत, जो टीम पथ प्रदर्शक के तौर पर आप पे है, लोअर मेंस का जो बैच किया गया है भैया UP SSC लोअर मेंस में, वह तमाम चीजें उन दिशा और दशा को यहां टीम तय करेगी जिसमें कि आप एक सफल अभ्यर्थी कैसे बने, वो सारी चीजें उसमें होंगी। आप भले ही मेंस नहीं दे रहे फिर भी अगर आप उस प्रोग्राम को ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो मेरा तो कहना है कि जो भी हमारी जो है टीम से जुड़े लोग हैं, ठीक, जिनके मार्गदर्शन हमने किए हैं अभी तक, या आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, टीम हमेशा बेहतर देने का प्रयास करती है। आप लोअर मेंस दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन हम उस अनुसार आपको सारी चीजें लोअर मेंस में उपलब्ध करा रहे जिससे आप एक सभी साधक की भांति होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको लोअर मेंस देना है तो जरूर जुड़िए, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और अगर आपको लोअर मेंस नहीं देना है फिर भी आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो, फिर भी आप प्रोग्राम से जुड़ जाइए। वहां पर एक तो आपको दिन जो है निरंतरता बन जाएगी, और बिना कंटिन्यूटी के क्लास का रोल किस लिए होता है जानते हैं, क्योंकि घर पे बैठ के आप में एक निश्चिंता आ जाती है, चलो अभी कर लेंगे 2 घंटे बाद, फिर वो 2 घंटे कब गया आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए क्लास जरूरी होती है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मेरे समक्ष आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये चीजें कंटिन्यूटी की भांत लगती है कि 2 बजे मुझे हिंदी के लेक्चर पर जाना है, पढ़ना है उतनी देर, वहां समय आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप चीजें घर पे खुद से बैठ के पढ़ने लगे तो वहीं दिशा भ्रमित होने लगती। इसीलिए कोचिंग का जो है रोल बढ़ता है, एक मार्गदर्शक का रोल इसीलिए बढ़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं, ये तो 10+ कोर्सेज के अंतर्गत सारे वीडियोज आपके निःशुल्क दे रहे हैं। PDF के लिए 3 महीने का चार्ज हम लगा रहे हैं, जो 499 में आपको सारी सुविधाएं देता है कि अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो अदर हमारी फैकल्टी हैं पढ़ा रही हैं, उनके नोट्स आपको चाहिए तो आप 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। 3 महीने ₹500 डेली 4 क्लासेस के PDF, ठीक, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी चीजें आपको बराबर उपलब्ध नहीं हो सकती हैं कि ₹500 में 3 महीने तक हर क्लास की आपको PDF रहे, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि PDF ऐसे नहीं बनती है, उसमें भी सारी चीजें इन्वेस्ट होती हैं। हमारी ऊर्जा है, हम निःशुल्क दे रहे भैया, हम पढ़ाने में सक्षम हैं, ठीक है, हम आपको निःशुल्क सारे वीडियोस दे रहे हैं। हम चाहते तो इसको कोर्स में भी लॉन्च कर सकते थे, वीडियोस प्राइवेट भी कर सकते थे, लेकिन जैसी स्थिति रही उस अनुरूप हमने यह निर्णय लिया कि आप सभी को जो है हम सारे कोर्सेज फ्री उपलब्ध करवाएंगे वीडियोज। तो जितने भी लोग हैं, आपको UPFO का क्रैश कोर्स लेना है, ठीक, या आपको लोअर मेंस में जोड़ना है, आप भले ही UP SSC की तैयारी कर रहे, लोअर मेंस नहीं देना, फिर भी
अगर गंभीर अपने अंदर गंभीरता लानी है, अपने अंदर निरंतरता लानी है, अपने अंदर एक दिशा लानी है, अपने अंदर एक सच्चे साधक की भावना को लानी है, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये बिल्कुल फायदा मिलेगा आपको स्वयं से, या लगेगा कुछ ही दिनों में कि नहीं, मुझ में यहां पर कुछ तो बेहतर है। ठीक है, इसीलिए टीम का विश्वास करिए। बहुत दिन से मैं हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं। सारे टीचर्स जो है हमेशा एक नया मार्ग चुनते हैं कि अपने विद्यार्थियों को हम कैसे किसी तरीके से समझाएं। ठीक है, तो पूरी निश्चिंता रखिए, एक हम जो है सच्चे रूप में मार्गदर्शन मिलेगा, हर एक चीजें रहेंगी, पूरी निष्ठा के साथ जुड़िए टीम से और उसका परिणाम पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आप जो है मुझे फॉलो करते हैं, डेली बेसिस पर मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मेरा यही कहना है भैया कि लोअर मेंस, आप UPSSC की परीक्षा दे रहे हैं, लोअर मेंस नहीं देना है, फिर भी आप लोअर के प्रोग्राम से जुड़िए, उसमें जो कुछ हम उपलब्ध कराएंगे वो बहुत बड़ी दिशा आपको देगी। ठीक है, वहीं पर चीजें सारी बदल जाएंगी। आप EPFO, आपके जो हित मित्र हैं, आप हैं, तैयारी कर रहे हैं, जुड़िए क्रैश कोर्स है, मटेरियल है हमारा, टेस्ट सीरीज है, एक सधी दिशा है। आप PCS प्रीलिम्स में है, हमारा मटेरियल है, हमारी टेस्ट सीरीज है, सधी दिशा है। ठीक, BO की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मटेरियल पूरा दिया जा रहा, पूरा टेस्ट दिया जा रहा, पढ़ डालिए, सब कुछ निकल जाएगा। लोअर मेंस अब हम लॉन्च ही कर चुके हैं, इससे पहले हमने प्री की पूरी जो है सब कुछ निःशुल्क ही करवाया था। ठीक, काफी पॉजिटिव परिणाम रहा, लगभग 3000 बच्चे जुड़े थे और उसमें सफल भी बहुत ज्यादा है। ठीक, आप लोगों ने स्वयं देखा है कि इतने कमेंट्स, इतनी हर एक चीजें आई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज जो हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं पर हमें क्या बात करनी है आज के खासकर इस टॉपिक में। वह टॉपिक आपका यह है कि मैंने आपको पढ़ा दिया क्या भैया, मैंने आपको पढ़ा दिया कि शब्द क्या होते हैं, शब्द के भेद क्या होते हैं, शब्द के प्रकार क्या होते हैं, शब्दों का निर्माण किन किन आधार पर होता है, शब्दों की रचना क्या है, शब्द प्रयोग के अनुसार क्या है, शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर क्या है, सारे विभेदों को सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। मैंने बताया कि आपको 15 प्रश्नों के करीब मैंने सिलेबस को कवर करा दिया, अब 10 क्वेश्चन बचते हैं 25 में, उन पर मैं बात करता हूं। अगर ये 40 प्रश्न आएंगे तब भी आप ये मान के चलिए कि 50% से ऊपर का सिलेबस आपका खत्म है। अगर ये प्रश्न आपके किसी परीक्षा में 80 आएंगे तो आप यह मान के चलिए कि आपको लगभग मैंने 40 से 45 के बीच में पूरे जो है कोर्स को कवर करा दिया। जो लोग पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, आप ऊपर प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस निःशुल्क लगे हैं, पूरा क्रम से देख डालो, इसके बाद हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैं दावा करता हूं। आज मैंने शब्दों में मैंने आपको बताया कि वर्णों का जहां मेल होता है, वर्णों के मेल से जो एक रचना होती है, वह रचना आपकी शब्द होती है। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना, वर्णों का मेल अगर हो गया तो, वर्णों का मेल जब होता तो संधि होती, संधि से एक शब्द ही तो निर्माण होता। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, एक वर्ण है का, दूसरा वर्ण है मा और तीसरा वर्ण है ला। अब ये तीनों का अगर मेल कराओगे तो कमल शब्द बनेगा, वर्णों का मेल हुआ। लेकिन अगर मैं दूसरा वर्ण ले रहा ला, फिर मैंने लिया का और तीसरा ले लिया मा, अब इसका मैंने मेल करा दिया, लमक हो गया, कोई शब्द मिला नहीं मिला। यही पर ध्यान रखना है कि शब्दों का ऐसा मेल हो जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, वह क्या होता है, वह शब्द होता है। यानी वर्णों अक्षरों का ऐसा मेल जिससे क्या हो, किसी सार्थक अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण हो, वह शब्द है। अब शब्द में आगे बढ़ रहे, जैसे शब्द पद क्या कहलाता है, क्योंकि मुझे आज पदबंध आपको समझाना है, पदबंध के भेद, क्योंकि इससे सवाल SSS पूछता है। देखिए, पद क्या होता है, जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते, यानी जब तक शब्द स्वतंत्र हैं तब तक वह शब्द है, और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो गया, कमल सरोवर में खिलता है, कमल सरोवर में खिलता है। अब यहां पर कमल जो शब्द है वह एक वाक्य में प्रयुक्त है, यानी कमल यहां शब्द की भांति नहीं, एक पद की भांति व्यवहार करता है। तो हमेशा याद रखिए, जब शब्द स्वतंत्र है तो वह शब्द है, और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त है, उस वाक्य के अर्थ देने में सहायक है, तो वह क्या है, वह पदबंध है। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब पद की बात आती है, पद में हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कमल लिखा है, जो है मैंने लिखा राकेश विद्यालय जाता है, ठीक,
राकेश विद्यालय जाता है, ऐसे मैंने अगला एक टर्म लिख दिया, अगला एक वाक्य लिखा कि मोहन दौड़ता है, ठीक है, या मोहन खेलता है, एक वाक्य यह भी आपका बन गया। और इसमें जो अलग अलग आपके पद मिल रहे वह ऐसे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि पद की परिभाषा वह है जब शब्द आपका किसमें है, जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो, स्वतंत्रता उसकी खत्म हो जाए, यानी वह बाध्य के रूप में आ जाए, किसी वाक्य के अर्थ को सहायक बनाने में आ जाए, तो वह पद होता है। हालांकि यह परिभाषा मैंने आपको पहले भी पढ़ाई, लेकिन आपको ध्यान देना जरूरी। अब पद है तो पद में हमेशा ध्यान रखना कि वाक्य ऐसा मिल गया जैसे मोहन दौड़ता है। दूसरा मैं वाक्य लिख रहा हूं कि एक शब्द मैंने वाक्य लिखा कि बाल्टी में कुछ गिर गया है। दूसरा मैंने वाक्य लिया कि बाल्टी में कुछ गिर गया, बाल्टी तो समझते ही हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर चीजें बदल गई पद में, ये सभी पाप के पद हैं, ठीक, लेकिन जैसे बाल्टी में कुछ, अब यहां कुछ जो आया ये पूरा एक तरीके से जब होगा, मोहन दौड़ता है, राकेश विद्यालय जाता है, ठीक। अब इनमें जब आप देखोगे तो कई आपके पद मिल करके एक नियत क्रम में, अब इसी को जैसे बाल्टी में कुछ गिर गया, इसको मैं ऐसे लिख दूं, गिर गया में कुछ बाल्टी, अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, वाक्य ही तो लिखा है, लेकिन अब यहां पर आप देखोगे गिर गया में कुछ बाल्टी, क्या इसका कोई सार्थक अर्थ है? नहीं मिला ना, सार्थक अर्थ नहीं मिला ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कुछ पद आपके एक नियत क्रम में एक निश्चित अर्थ को बताने के लिए आए, तो वह पदों का जो समूह होता वह पदबंध कहलाता। क्या परिभाषा हो गई? अब आप पदबंध की परिभाषा यह लिख सकते हो कि जब एक या एक से अधिक पद एक नियत क्रम में एक निश्चित अर्थ को देने के लिए प्रयुक्त हो, तो वह पदबंध है। समझ गए परिभाषा? यही पदबंध की परिभाषा। यानी अब आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जब कई पद, जब एक या एक से अधिक, ठीक है, जब एक या एक से अधिक आपके पद एक नियत क्रम में किसी निश्चित अर्थ को देने के लिए प्रयुक्त हो, तो वह पदबंध कहलाते हैं। यानी पदों को आपस में जोड़ दिया गया। समझ गए? यह पदबंध की परिभाषा है। और पदबंध में हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके भेद बनते हैं। तो पदबंध में कोई भी शब्द होता है, तो शब्द के बारे में मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है कि शब्द जो होता है, शब्द आपका संज्ञा होता है। जहां आपको नाम मिल गया किसी का लिखा, वह संज्ञा होगा। तो पद भी उसी अनुसार बटेंगे। शब्दों में मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया है, जब प्रयोग के आधार पर मैंने पढ़ाया, ठीक, कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो बनते, एक विकारी एक अविकारी। तो वहीं पर चीजें आई, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। मैंने इन चार शब्दों को पढ़ाया कि यह आपके विकारी शब्द होते हैं। और दूसरा जो मैंने विभेद अविकारी में पढ़ाया, उनको मैंने अव्ययी बोल दिया, ठीक। तो ये जो शब्द के आपके दो रूप मिलते हैं, इन्हीं रूपों का, चूंकि वाक्य में हम शब्दों का प्रयोग करते, वह शब्द का जब प्रयोग होता तो वह पद बनता, और पद जब कई पदों का योग होता तो वह पदबंध बनता, और पदबंध जब होगा तो कहीं ना कहीं वह किसी संज्ञा से जुड़ा होगा, या सर्वनाम से जुड़ा होगा, या क्रिया से जुड़ा, या विशेषण, या फिर किसी अव्यय से जुड़ा होगा, तो वह पदबंध के किसी भेद को दर्शाएगा। इसीलिए पदबंध के जब भेद होते हैं, तो पदबंध में पांच भेद होते हैं। समझ गए? कहीं कहीं अव्यय को क्रिया विशेषण पदबंध लिख देता, लेकिन वहां आपको कहीं भी अपने मन में संदेह नहीं लाना है, क्योंकि यह अव्यय का ही एक भेद होता है। समझ गए सारी बातों को? बहुत बढ़िया से आपने समझा, मुझे उम्मीद भी है कि सारी चीजें आपको कंफर्म भी हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने पदबंध में जो चीजें आपको बता रखी हैं, उन्हीं को आप और ढंग से समझ लें और विधिवत ढंग से समझ लीजिए यहां पर, ठीक। पदबंध में परिभाषा जो मैंने बताई वही है कि जब दो या दो से अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करें, तो उन्हें पदबंध बोलते हैं। दूसरे शब्दों में भी परिभाषा है कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों जो एक ही पद का काम करता, पदबंध कहलाता। डॉक्टर हरदेव बहरी
किताब आप लोग पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में सबसे उच्च कोटि की किताब मानी जाती है, दो ही व्याकरण में, अगर आप स्वयं से किताब लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेरी नोट्स लेना चाहते हैं तो कंप्लीट होने के बाद नोट्स मिल जाएगी जब क्लास लेक्चर होंगे। अगर आप किसी किताब को पूछना चाहते हैं तो किताब में डॉक्टर हरदेव बाहरी या फिर आपकी दूसरी जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन, ठीक, इन्हीं दोनों की किताबें आपकी सर्वश्रेष्ठ हैं हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है, जिनमें गलतियां नहीं है, जिनमें आप आयोग आपको किसी प्रश्न पर जब आपसे मांगता है कि इस पर आपत्ति दर्ज करिए तो इन्हीं सारी किताबों से आपकी आपत्ति को वह मानेगा। आप ऐसे वैसे लिखकर दे दोगे आयोग नहीं मानेगा, क्योंकि हमें एक ऑथेंटिक किताब चाहिए और वो डॉक्टर हरदेव बाहरी वासुदेव नंदन। आप जिक्र करोगे कि डॉक्टर हरदेव बाहरी के पेज नंबर इस पर यह लिखा हुआ है, ठीक, कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो आयोग वहां मानेगा, क्योंकि ये सारे जो लेखकों की किताब है इसको आयोग भी मानता है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में दो ही उच्च कोटि की किताब है, एक तो डॉक्टर वासुदेव नंदन, दूसरा है आपका जो है ये डॉक्टर हरदेव बाहरी की। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा को इस प्रकार बताया कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं, ठीक है, एक से अधिक, यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, यह भी ध्यान रखना, पूरा अर्थ नहीं देंगे वह पदबंध होंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे उदाहरण मैंने यहां जो दर्शाए हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। अब यहां पर कई पद, जैसे सबसे एक अलग पद है, तेज अलग पद हो गया, दौड़ने वाला छात्र, अब इसमें दो या दो से अधिक पद आए और पदों का मेल हुआ तो पूरे अर्थ को नहीं दिया, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, अब इसमें अर्थ तो पूरा नहीं है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, ठीक, यह लड़की अत्यंत सुंदर और परिश्रमी या सुशील है। अब यहां पर विशेषता बतलाई जा रही तो यह कहीं ना कहीं क्या बात होगी, विशेषण की ओर बढ़ेगा, यह सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र की बात हो रही तो यह कहीं ना कहीं संज्ञा किसी नाम को दर्शा रहा ना, ठीक, जो पदबंध है, नदी बहती चली जा रही है, अब बहती चली जा रही यही तो मेन है, बहती चली जा रही, यहां क्रिया का आपको ज्यादा अस्तित्व मिल रहा तो यह क्रिया के तौर पर आ जाएगा। अगला है, नदी कल कल करती हुई, अब कल कल ऐसे शब्दों को मैंने क्या बताया था, जिन पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव ना हो वह अव्यय होते, तो इसमें कहीं ना कहीं विभेद अव्यय का दर्शा रहा, समझ गए। तो पदबंध के ऐसे ही भेद होते, ऊपर जितने भी मैंने आपको डार्क पोर्शन बताए अंडरलाइन किए वह सभी पदबंध के उदाहरण है, समझ गए। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पदबंध के भेद को समझते हैं, तो पदबंध के भेद में हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैंने जैसा आपको इंगित किया, पहला होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेष जो है विशेषण सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण हो जाएगा या जैसा अरेंज करना चाहें, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय पदबंध। कहीं कहीं यह क्रिया विशेषण लिखा होता है तो ये मत कहना कि गुरुजी आपने तो ये बताया वहां ऐसा लिखा है, ठीक, दोनों बातें एक ही है, अव्यय लिखा रहे या क्रिया विशेषण, हालांकि अव्यय में आपके चारों शामिल होते हैं, ठीक, जो मैंने आपको पढ़ाया है। अब संज्ञा पदबंध की बात करें, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। कैसे, दूसरे शब्द में समझ लो कि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष कौन सा, अंतिम या शीर्ष, या तो पहले और या फिर अंत में, दोनों को ध्यान रखना, या सबसे पहला शब्द या सबसे अंतिम पदबंध में क्या हो, संज्ञा हो, वह क्या होगा, अन्य पद उसी पर आश्रित हो यह भी ध्यान रखना, अन्य पद उसी पर आश्रित हैं तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता। उदाहरण समझ लो, जैसे है चार ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, एक वाक्य लिखा है कि चार ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, अब चार ताकतवर मजदूर, ठीक, मजदूर यहां आया, अंतिम में लिखा है, संज्ञा लिखा है भैया, तो यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। मैंने बताया शीर्ष हो या अंतिम हो वही आपको पहचानना है। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, अब लंका के राजा रावण यह एक पदबंध है, ठीक, अब रावण, राजा रावण, रावण नाम हो गया तो वह नाम क्या हो गया, वह एक
संज्ञा है, नाम ही तो संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे। अब राजा दशरथ, दशरथ एक नाम है और नाम क्या है? संज्ञा है, समझ गए? संज्ञा पदबंध आपको। दूसरा पढ़ते हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम सभी नाम के लिए जो प्रयुक्त होते संज्ञा की जगह पर, मैंने परिभाषा में आपको पढ़ाया है कि किसी का नाम बार बार लेने की अपेक्षा उस नाम के लिए कोई दूसरा शब्द रख दो। जैसे हम ये नहीं बोल सकते राकेश बहुत अच्छा लड़का, राकेश तेज दौड़ता, राकेश पढ़ने में सही है, राकेश दौड़ने में। अब राकेश राकेश की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? हम एक बार बोलेंगे राकेश बहुत अच्छा छात्र है, वह पढ़ने में ठीक है, वह लिखने में ठीक है, वह दौड़ने में ठीक। अब हम राकेश राकेश नहीं वाह वाह बोलने लगे। तो वहीं पर संज्ञा के जगह पर जो स्थान लिए वह सर्वनाम, और वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम के भेद में मैंने 6 भेद आपको समझाए हैं, ठीक। सर्वनाम के प्रकार में मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं इन्हीं में, जैसे समझिए बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। एक वाक्य लिखा है कि बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने एक बालक को डूबने से बचा लिया। अब यहां जो पदबंध आपका यह लिखा हुआ है बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, तो यह क्या है? आप एक आपका सर्वनाम है। नाम तो नहीं कहा गया, नाम के जगह पर कोई शब्द लिखा गया आपने, तो यहां यह सर्वनाम, इसलिए यह भेद पदबंध किसका है? सर्वनाम का। उदाहरण, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ कुछ, अब ये जो कुछ आया सर्वनाम है, तो सर्वनाम जब है तो यह सर्वनाम पदबंध होगा। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, लोगों में से कोई, कोई क्या है? सर्वनाम है, तो यह सर्वनाम पदबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रकार है विशेषण पदबंध। समझ लो वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बदलाता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध। दूसरे शब्दों में पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, तेज चलने वाली गाड़ियां, गाड़ियों की यहां विशेषता बतलाई जा रही है, ठीक है, तो यह क्या होगा? यह विशेषण पद जो है पदबंध होगा, क्योंकि यहां विशेषता को दर्शाया जा रहा। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, किस उस घर के कोने में, अब विशेषता हो गई, जब विशेषता हो गई तो विशेषण पद जो है पदबंध हो गया। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर फुर्तीला और आज्ञाकारी है, तो यह भी विशेषण पदबंध हो गया, घोड़े की विशेषता को बतलाया जा। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। अब बरगद और पीपल की घनी छांव, छांव देता घनी छांव, विशेषता विशेषण पदबंध, समझ। अगला प्रकार चौथा क्या है? क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती, पहले मुख्य क्रिया फिर अन्य क्रिया। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, आया होगा, ठीक। अब यहां पर क्या हो गया? यहां दो क्रियाएं मिल रही हैं, मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया भी है, दोनों मिल के क्या दर्शा रही? यह एक पदबंध को दर्शा रही, और वह क्रिया पदबंध है। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, अब यह भी तो कई क्रियाओं का मेल हो गया, तो यह क्या हो गया? क्रिया पदबंध हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पांचवा भेद होता है अव्यय पदबंध, ठीक है, इसको समझ लें। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे अव्यय पद जो है पदबंध कहलाता है। इसमें ध्यान रखना, इसका अंतिम शब्द जो है अव्यय होता है। इविटेबल ऐसी ऐसे प्रश्न उठाया है बीच में से, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए मैं बताता हूं, नहीं तो बताने की क्या जरूरत है, 5 बता के खींच के खत्म कर दूं उदाहरण के, लेकिन मैं इसीलिए इन चीजों को बता रहा। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे अव्यय वाले में उदाहरण, अपने सामान के साथ वह चला गया। अब के साथ क्या है? अव्यय ही तो है। सुबह से शाम तक आ गया, अव्यय ही तो है, वह बैठा रहा, यह अव्यय हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक चीज याद रखना, क्या जिसमें कंफ्यूजन होती है कि जब सरजी पदबंध में हमने देख लिया इतने बड़े बड़े पदबंध निकल आए, तो उपवाक्य में कैसे विभेद करेंगे कि यह पदबंध नहीं है उपवाक्य है, ठीक। देखिए समझिए, उपवाक्य यानी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉज, ठीक, और पदबंध यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेज, ठीक। इन दोनों की जो दोनों के दोनों पदों के समूह ही है, उपवाक्य भी पदों का समूह है, पदबंध भी आपका पदों का समूह है, ठीक।
इसमें केवल आंशिक भाव प्रकट होता है। किसमें? पदबंध में। पदबंध में दूसरा चीज, पदबंध में क्रिया नहीं होगी, पदबंध में कोई क्रिया नहीं मिलेगी पूरा का पूरा। अंतिम में जो क्रिया मिली थी वो मुख्य और सहायक मिलकर के, कई क्रियाएं मिलकर के एक इकाई बनाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, उपवाक्य में क्रिया रहती है हमेशा। जैसे एक उपवाक्य आपके सामने लिखा है कि ज्यों ही वह आया, ज्यों ही वह आया, आया एक क्रिया है ना। दूसरा इसी में आगे लिखा है त्यों ही मैं चला गया, ठीक, ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। अब इसमें ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है, इसमें क्रिया भी है, ऐसा तो पदबंध में मैंने आपको समझाया नहीं था, यहां एक क्रिया भी है, इसलिए यह क्या है, यह उपवाक्य है। और पदबंध में क्रिया नहीं होती, ठीक, उसमें भाव होता है, आंशिक भाव होता है, पूरा भाव नहीं। अब ज्यों ही वह आया पूरा भाव निकल रहा ना, पूरा अर्थ पता चल गया, यह उपवाक्य है। तो इससे आगे अब हम जब बढ़ेंगे, पदबंध हमने सीख लिया, पद के बारे में समझ लिया सारी चीजें, अब हम यूपी ट्रिपल एससी के आपके पाठ्यक्रमानुसार धीरे धीरे उपवाक्य की ओर कल बढ़ेंगे, फिर मैं वाक्य पढ़ाऊंगा, तो अगले दो दिन में आपका और महत्वपूर्ण पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी हम 20 प्रश्न को कवर कर ले जाएंगे 25 में से, ठीक है। तो ये अगले तीन दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फिर उसके अगले तीन में दिन में मैं बाकी जो पांच आपका क्वेश्चन बचता है, पूरे 100% सिलेबस को मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं मैं 25 प्रश्न ही बोल रहा तो आप लोग परेशान हो जाओ, इस 25 प्रश्न को 100% सिलेबस के अनुरूप जैसा यूपी ट्रिपल एससी देता है उस अनुरूप मैं आपको पूरा विभाजित करके इसमें फोकस कर रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद है पदबंध की आपको बहुत मजा दी होगी सारी चीजें समझने में, जो चीजें मैंने इससे पहले शुरुआती लेक्चर में बोला उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए व्याख्यान के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़िए, धन्यवाद।